हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं मकर संक्रांति वाला स्पेशल मुरमुरा के लड्डू। इसे मुरही भी कहा जाता है और इसका लड्डू बहुत ही बेहतरीन बनता है। यह लड्डू बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मुरमुरा का लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 से 200 ग्राम के बीच में मुरही ले लिया है, जिसे लाई भी कहते हैं। और इसे आपको कोई भी चीज़ से मेजरमेंट कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लूँगी। इससे क्या होगा, थोड़ा ये क्रंची हो जाता है, तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुरमुरा के लड्डू बांधने से पहले। तो यहाँ पर आपको एकदम मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करना है, ताकि इसमें क्रंचीनेस और भी ज़्यादा आ जाए और लड्डू काफी दिन तक क्रंची रहे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का ये आराम से टूटता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसे एक बर्तन में निकाल करके रख लूँगी। मुरमुरा का लड्डू या फिर लाई का लड्डू भी इसे कहते हैं, इसे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर मुरही हो चुका है, तो मैं चलिए इसके लिए जो गुड़ वाला जो घोल होता है वो बना लूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी भर के लगभग 200 ग्राम गुड़ लिया है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इससे गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लगता है। और यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर ही कर रही हूँ, जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। ये देखिए, गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो आपको गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको मेल्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। और यहाँ पर मैं ना एक बार आपको क्या करना है, ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। एकदम अच्छे से जब झाग आने लगे तो पानी में डाल के आप चेक कर लीजिएगा कि अच्छे तरीके से ये बंध रहा है कि नहीं। तो पानी में डालने के बाद थोड़ा वेट करना है और फिर इस तरीके से गुड़ को आपको बांध करके देखना है। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से एक दूसरे में चिपक जा रहे हैं। तो बस मुझे ऐसी ही कंसिस्टेंसी का चाहिए था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अच्छे से हो चुका है, तो जो हमारे पास मुरमुरा है उसे मैं गुड़ में इस तरीके से ऐड करते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी। यहाँ पर अगर आपको और भी ज़्यादा मीठा खाने का मन है या फिर आप पसंद करते हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा गुड़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह नॉर्मल मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इतना गुड़ काफ़ी है इतना मुरमुरा के लिए। यहाँ पर फ्लेम को लो करके आपको अच्छे तरीके से गुड़ और मुरमुरा को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए, कितना परफेक्ट गुड़ का जो क्वांटिटी लिया था मैंने इतना मुरमुरा के लिए, वो परफेक्ट था। आप देख सकते हैं, एकदम गुड़ जो है अच्छे तरीके से मुरमुरा में चिपक गया है। मैंने इसे गैस से उतार करके रख लिया है, अभी ये गरम गरम ही है, तो आपको इसे गरम में ही बांधना है। इस तरीके से हाथों पे आप पानी लगा लीजिए, पर पानी भी ज़्यादा मत लगाइएगा, वरना इससे क्या होगा, मुरमुरा का जो लड्डू होगा सॉफ्ट हो जाएगा। बस आपको जब हाथ में चिपकने लगे लड्डू बांधने वक्त, तो आपको कभी कभी बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है। और आसानी से इस तरीके से लड्डू आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपने साइज़ के बांध करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एकदम मीडियम साइज़ के लड्डू बांध करके तैयार कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर लड्डू बांधते वक्त आपका जो मिश्रण है वो ठंडा हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उसे गैस पर बैठा दीजिएगा और लो फ्लेम पर बस थोड़ा देर आपको रख देना है, और फिर आप फटाफट से लड्डू बांध करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसे बनाना। इस तरीके से मैं सारे लड्डू बांध करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए, कितना परफेक्ट बन रहा है, बिल्कुल भी अलग नहीं होता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। इससे ज़्यादा कोई भी आसान रेसिपी नहीं हो सकता है। बस आपको इसमें गुड़ की क्वांटिटी का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको इसमें परफेक्ट गुड़ का क्वांटिटी लेना है, ताकि लड्डू जो है प्रॉपर अच्छे से बन सके। अगर आप कम लेंगे तो लड्डू बांधने में बहुत दिक्कत आती है। तो बस यही इसका सबसे मेन स्टेप है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और ये देखिए, लड्डू एकदम परफेक्ट बन गया है। आई होप आपको ये लड्डू का रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया होगा तो इसे बनाने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।